क्वेश्चन दिया हुआ है, एक निश्चित दूरी को तय करते समय दो व्यक्तियों के चालक अनुपात 18 और 12 है, यानी जो स्पीड रेशियो है S1 और S2, ठीक है ना, वो कितना है, 18 और 12 दिया हुआ है। ठीक है, दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात निकालिए। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, टाइम का रेशियो निकालना है, यानी T1 और T2 का रेशियो निकालना है। ठीक है, देखिए स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस कम टाइम होती है, ठीक है ना, तो जो स्पीड का रेशियो है वो उल्टा होता है टाइम के रेशियो का। ठीक है ना, तो स्पीड का रेशियो हमें गिवन है, तो टाइम का रेशियो T1 और T2 का रेशियो क्या रहेगा, उल्टा हो जाएगा स्पीड का, यानी 18 की जगह 1/18, रेशियो 12 की जगह 1/12। ठीक है, तो 6 पे काटेंगे, 6 3 18, और यहाँ पे 6 2 12, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2:3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है।